वो कहते हैं ना, चाहे जितने बड़े शहर विदेश जहाँ भी घुमाओ, लेकिन अपना घर अपना घर होता है। ऐसे ही इस शांत पड़े से गांव में एक मेला चल रहा है कहीं बाहर। चलिए आज आपको उस मेले में घुमाते हैं, आनंद दिलाते हैं। पुण्यवान सत्पुरुष के क्या लक्षण हैं? पुण्यवान सत्पुरुष के लक्षण ये हैं कि वो भोगी न होकर के सेवा परायण होता है, और सेवा परायण होते हुए भी सत्य का ध्यान रखता है। जिसका हम भोग करते हैं उसी सेवा करते हैं। व्यवहार में अचानक अपराध लोभ मोह ममता कैसे आई? अपना मानने से आई? ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें होती है हमारे गांव में। वो दारू गाली गलौज ये सब जो दिखाया जाता है ना मूवीज में, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होता है मेला, वो बचपन की यादें अभी भी यहाँ ताज़ा हैं। याद है ना जब पापा के हाथ पकड़ कर झूला झुलवाने की जिद करते थे? लेकिन अब वो इंटरनेट का दौर है जहाँ ये सब चीज़ें फीकी पड़ गई हैं। चलिए खैर, इन सब से हट के आपको लोक गीत दिखाते हैं। ये जो नाचते गाते लोग दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। बस आए हैं नागा बाबा की भक्ति में लीन होने, इस संगीतमय माहौल को जीने। इसी तरह से निस्वार्थ भाव से हम जीते हैं। जी हाँ, हम गांव वाले हैं। अब आते हैं गांव के सदाचारी भाव पर। हम दान दक्षिणा भी करते हैं, एनजीओ के नाम पे धोखाधड़ी नहीं करते। काफ़ी गरीब आते हैं यहाँ पे हर साल हजारों की तादाद में, किसी का दिल नहीं तोड़ते। दान देने के लिए किसी को पुश भी नहीं करते, सब अपनी स्वेच्छा अनुसार जो मन में आता है वो दान देता है। आप भी दे सकते हैं। अब इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद कुछ अव्यवस्था तो होनी है भाई। मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये सब एक शिष्टाचार के भाव हैं जो हमारे गांव में ज़रूर होते हैं, हर साल होते हैं। तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं मेले में आके। ये जो सफ़ेद पगड़ी में दादा को देख रहे हो ना, ये मैं हूँ, आप हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके कलीग्स जो छोटे शहरों को, अपने गांव कस्बे को छोड़कर पैसे की तलाश में बड़े शहर विदेश जाते हैं और भीड़ का हिस्सा होकर उसमें खो से जाते हैं। ये गलती कहीं आप ही तो नहीं कर रहे? जी हाँ, मैं तो कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी रूट्स तलाश ली हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम क्या हो तुम भूल जाओ, वापस लौटो अपने गांव, अपने घर, कुछ समय बिताओ, अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। तभी कहते हैं ना, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी है तो गांव में है।